नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं नंदिता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वेक्षण। बता दें कि हम लगभग 195 विधानसभाओं का वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सर्वेक्षण में जाकर अपनी विधानसभा या जिस भी विधानसभा की जानकारी आपको चाहिए उसका नाम डाल करके आप उसका पूरा वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको छपड़ा विधानसभा का उसके गांव सहित समीकरण दिखाएंगे और समझाएंगे। छपड़ा विधानसभा के गांव में पार्टियों की अभी की स्थिति दिखाने से पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि पूरे छपड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी को कितना जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस को 35.11% और बीजेपी को 52.53% जनता का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत यहाँ पर बीजेपी से वर्तमान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी आगे चल रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान हमने शहरी क्षेत्रों में पोलिंग सेंटर्स को और ग्रामीण क्षेत्र में गांवों को आधार बनाया है, इसलिए यहां पर गांवों का मतलब पोलिंग सेंटर्स भी है। अब आप गांवों के अनुसार स्थिति देखिए। छपड़ा विधानसभा में A+ ग्रेड वाले यानी सेफ जोन में बीजेपी के 11 गांव हैं, कांग्रेस के 0 गांव हैं, अदर्स के 4 गांव हैं। ए ग्रेड यानी विनिंग पोजिशन में बीजेपी के 105 गांव हैं, कांग्रेस के 5 गांव हैं, अदर्स के 0 गांव हैं। बी ग्रेड यानी फाइटिंग में बीजेपी के 74 गांव हैं, कांग्रेस के भी 74 गांव हैं, अदर्स के 2 गांव हैं। सी ग्रेड यानी लूजिंग में बीजेपी के 5 गांव हैं, कांग्रेस के 105 गांव हैं, अदर्स के 72 गांव हैं। डी ग्रेड यानी डेंजर जोन में बीजेपी के 4 गांव हैं, कांग्रेस के 15 गांव हैं, अदर्स के 121 गांव हैं। अब मैं आपको वो नाम बता रही हूँ जो इस बार छपड़ा विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी से प्रताप सिंह सिंघवी, भूपेंद्र शर्मा, पप्पू धाकड़ और निरंजन शर्मा। वहीं कांग्रेस से करण सिंह राठौड़ और ब्रजलाल मीणा का नाम सामने आ रहा है। हम मई में फिर से राजस्थान का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसके सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सवाल, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? दूसरा सवाल, आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? तीसरा सवाल, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? चौथा सवाल, अगर आपके पसंदीदा उम्मीदवार की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कम हो या ना के बराबर हो तो क्या उस स्थिति में भी आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? पांचवा सवाल, अगर विधायक उम्मीदवार आपकी पसंद का ना हो तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को ही वोट देंगे? इन सारे सवालों के जवाब की रिपोर्ट हम आपको आने वाले दिनों में दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829203321 पर इन सारे सवालों का जवाब लिख करके जल्दी से हमें भेज दें। आप इन सवालों के जवाब के साथ अपने गांव या विधानसभा क्षेत्र की कोई भी जानकारी हो या कोई भी समस्या हो उसके बारे में आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। समस्याएं जैसे टूटी फूटी सड़कें, पीने के पानी की कमी, सिंचाई के पानी की कमी, बिजली कटौती, जो भी आमजन की समस्या होती है आप उसका वीडियो बना कर भी हमें भेज सकते हैं। आपकी दी हुई जानकारी को हम अपने अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव की हर खबर और अपडेट देखने से आप बिल्कुल नहीं चूके। अभी तक आपको जो वीडियो दिखाए हैं अगर वो पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए अगली विधानसभा और उसके गांव का पूरा समीकरण। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ एएनएन भारत। नमस्कार।